तो बच्चों, हम क्लास 12 के गणित का अध्याय 8 समाकलन के अनुप्रयोग के बारे में पढ़ रहे हैं। पिछले सेशन में हमने विविध प्रश्नावली के उदाहरण संख्या 11 से लेकर के उदाहरण संख्या 15 तक के उदाहरणों को हल किया है। बच्चों, आज के इस सेशन में हम विविध प्रश्नावली के प्रश्न संख्या 1 से लेकर के प्रश्न संख्या 5 तक के प्रश्नों को हल करना सीखते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर वन में हमें दिया है, जिसके दो पार्ट हैं। एक हमारे पास में वक्र है y बराबर एक्स स्क्वायर और एक रेखा है x बराबर 1 और x बराबर 2। इनसे घिरे क्षेत्र का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिएगा, पहले हम ग्राफ बना के समझते हैं इसको। x y x डैश y डैश। अब हमें दिया है कि y बराबर एक्स स्क्वायर, तो बच्चों ये हमने y बराबर एक्स स्क्वायर परवलय बना लिया, y बराबर एक्स स्क्वायर। उसके बाद में हमें दिया है, देखिए बच्चों, उसके बाद में हमें दिया है x बराबर 1 और x बराबर 2। तो देखिएगा, हम निकालते हैं x बराबर 1 से ग्राफ। तो ये बच्चों मान लेते हैं x बराबर 1 है और ये x बराबर 2, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2। तो अर्थात इस क्षेत्र का हमें क्षेत्रफल निकालना है। ये दे देते हैं ए, ये बी, ये सी डी। तो ए बी सी, या इसको ले देते हैं ऐसे बच्चों, ए बी सी और डी। तो ए बी सी डी ए क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें निकालना है। क्षेत्र ए बी सी डी ए का क्षेत्रफल, और उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम ऊर्ध्वाधर पट्टियाँ लेंगे बच्चों। किस पे जाएगी इसका एक सिरा? x पे, जिसकी चौड़ाई हो जाएगी dx। और लिमिट देखो बच्चों, 1 से 2 है तो ये 1 से 2। और दूसरा इसका सिरा y किस पे जा रहा है? इस परवलय के ऊपर। यहाँ से y का मान ले लेंगे एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो बच्चों ये तो हो जाएगा x की घात 3/3, लिमिट है 1 से 2। तो यहाँ पे अपर लिमिट रखेंगे तो 8/3 -1/3 इज इक्वल टू 7/3 वर्ग इकाई, और ये इसका फाइनल आंसर है। इसका भाग दो देखते हैं। भाग दो देखिए बच्चों, भाग दो में दे रखा है वाई बराबर एक्स की पावर 4। ये है दे रखा है वाई इक्वल टू एक्स की पावर 4। ये y बराबर x की पावर 4 इक्वेशन 1, और x बराबर 1 से x बराबर 5 तक घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिएगा बच्चों, समझते हैं इसको। ये इसका ग्राफ बना दिया हमने y बराबर x की पावर 4। अब बोल रहा है x बराबर 1 से, ये x बराबर 1 से x बराबर 5 तक, ये मान लेते हैं x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 5। तो इस क्षेत्र का हमें क्षेत्रफल निकालना है। ये a ले लेते हैं इस बिंदु को, b, ये c और ये d। तो हमें क्षेत्र a b c d a का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है बच्चों, और इसके लिए हम यहाँ पे ये पट्टियाँ काटेंगे ऊर्ध्वाधर, जिसका एक सिरा कहाँ पे जाएगा? एक्स एक्स के ऊपर, एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश। और दूसरा सिरा इसके ऊपर जा रहा है वाई बराबर एक्स स्क्वायर एक्स की घात 4। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे, इसलिए एरिया इक्वल टू, कौन सा एरिया? ये वाला एरिया इक्वल टू, लिमिट है 1 से 5 तक x की पावर, ये y कहाँ से? x की पावर 4 dx। x की पावर 4 का समाकलन कर लेते हैं, तो x की पावर 4 का समाकलन x की पावर 5/5, लिमिट हो जाएगी जी 1 से लेकर के 5 तक। तो बच्चों 1/5 कॉमन ले लेते हैं,
तो 5 की पावर 5 माइनस 1 की पावर 5, और बच्चों 1 अपॉन 5 होता है 3125 माइनस 1, और जिसको हम लिख सकते हैं 3124 बटे 5 वर्ग इकाई, और यही हमारा फाइनल उत्तर है बच्चों। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दे रखा है वक्र है y बराबर x, और दूसरा वक्र है y बराबर x² के मध्यवर्ती क्षेत्र। तो बच्चों पहले तो इसको ग्राफ से ही समझ लेते हैं, देखिएगा ये हमें दिया है y बराबर x², ये बना लेते हैं y इक्वल टू x स्क्वायर। ठीक है बच्चों, और दूसरा हमें दे रखा है y बराबर x, ये y बराबर x एक रेखा हो गई y इक्वल टू x। तो हमें इस क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालने के लिए बोला गया है। ठीक है बच्चों, ये x एक्स है, ये y एक्स है, ये x डैश एक्स है, और ये y डैश एक्स है। तो बच्चों हमें इस क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। तो इसके निर्देशांक तो 0, 0 हैं, और यहाँ के निर्देशांक समीकरण 1 और 2 से हम निकाल लेते हैं यहाँ से। तो देखिएगा यहाँ से 1 और 2 से हल करते हैं, तो x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, या इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0, एक्स कॉमन लिया तो एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x बराबर 0 और x बराबर 1 प्राप्त होता है। तो y का मान जब x बराबर 0, तब y का मान यहां पे रख देते हैं x बराबर 0, तो y भी 0 ही होगा, तब y भी 0 ही होगा। और जब x बराबर 1, तब y इक्वल टू, यहाँ पे 1 रखें, कहीं भी 1 रखेंगे तो हमें y का मान भी 1 ही प्राप्त होगा। तो यहाँ के इसके निर्देशांक होंगे 0, 0, और दूसरा होगा 1, 1। ठीक है बच्चों, तो यहाँ के तो 0, 0 और यहाँ के 1, 1। तो बच्चों यहाँ तक हम पट्टियाँ काटेंगे। तो पहले जो पट्टियाँ काटेंगे हम रेखा के ऊपर काटेंगे इस पूरे क्षेत्र पे, जिसका एक सिरा x पे है तो ये चौड़ाई dx हो जाएगी, दूसरा सिरा इस रेखा पे है, वहाँ से y का मान ले लेंगे, और उसमें से इस क्षेत्र का क्षेत्रफल घटा देंगे ये वाले क्षेत्र का, और इसमें भी हम पट्टियाँ काटेंगे, तो एक dx यहाँ पे और दूसरा सिरा इस परवलय के ऊपर है। ठीक है बच्चों, यही ध्यान देने वाली बात है। अतः अभीष्ट क्षेत्रफल इज इक्वल टू, कहाँ से जाएगा पहले देखो आप, रेखा के ऊपर 0 से 1, तो 0 से 1 तक, तो रेखा का y तो वो हो जाएगा x dx, उसमें से हम घटाएंगे परवलय का y dy, तो ये भी है 0 से 1, परवलय का y क्या हो जाएगा हमारे पास में, वो देखिए परवलय का y है x², तो यहाँ लिखेंगे x² dx, x² / 2, 0 to 1, माइनस x³/3, 0 to 1, तो 1/2 माइनस 1/3, 6 LCM लिया बच्चों, तो हमारे पास में यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा 3 - 2 इज इक्वल टू 1/6 वर्ग इकाई, वो इसका फाइनल उत्तर है। तो हमें मेन फाइंड करना है कि एरिया कौन सा निकालना है, तो डायग्राम बना करके हमें समझना है कि हमें कौन से क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पे इस क्षेत्र का क्षेत्रफल बोला है, तो पहले हम पूरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकाला, और उसमें से परवलय से जो क्षेत्रफल बन रहा है उसको हमने घटा दिया। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। प्रथम चतुर्थांश में सम्मिलित एवं y बराबर 4x² और x = 0 और y = 1 से y = 4, ये 2, ये 3 और ये 4 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। तो बच्चों देखिएगा
समझते हैं इसको। ये एक्स, ये वाई, ये एक्स डैश, ये वाई डैश। अब दे रखा है वाई बराबर फोर एक्स स्क्वायर, तो वाई बराबर फोर एक्स स्क्वायर, ये वाई बराबर फोर एक्स स्क्वायर, वाई इक्वल टू फोर एक्स स्क्वायर। फिर उसके बाद में दिया है x बराबर जीरो, एक्स वाई बराबर वन, तो देखिएगा, और y बराबर फोर, तो ये हम ले लेते हैं y बराबर वन और ये y बराबर फोर, ये जीरो, ये y बराबर वन और y बराबर फोर। तो इस क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो बच्चों यहाँ पे हम पट्टियाँ लेंगे 36 पट्टियाँ, जिसका एक सिरा वाई एक्स पे होगा तो इसकी चौड़ाई डी वाई, और दूसरा सिरा इस परवलय के ऊपर, और यहाँ से हम एक्स का मान निकालेंगे, तो एक्स का मान यहाँ से निकलेगा हमारे पास में वाई बाई फोर का अंडर रूट। तो चाहे तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू रूट वाई बाई टू। ठीक है बच्चों, तो यही बात हमें दे रखी है, इस क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें निकालना है, ये वाला क्षेत्र का। तो देखिएगा बच्चों, इसलिए अभीष्ट क्षेत्रफल, अभीष्ट क्षेत्रफल इज इक्वल टू, पट्टियां काट काटी हमने डी वाई पे, तो यहाँ पे डी वाई, और इसका परवलय का क्या लेंगे x, और परवलय का x है रूट वाई बाई टू, तो यहाँ पे लिखेंगे रूट वाई और ये वन बाई टू यहाँ लिख देंगे, और लिमिट है वन से फोर तक। ठीक है बच्चों, इसको सोल्व करते हैं, तो वन बाई टू वाई की पावर थ्री बाई टू अपॉन थ्री बाई टू वन से फोर, बहुत इजी है बच्चों। तो ये वन बाई टू इंटू ये टू बाई थ्री, और यहाँ लिखेंगे फोर रूट फोर, फोर रूट फोर माइनस यहाँ पे वन, ये टू से तो टू कैंसिल, तो वन बाई थ्री एट माइनस वन, फोर एट माइनस वन, वो लिखेंगे सेवन बाई थ्री वर्ग इकाई, वो इसका फाइनल उत्तर है बच्चों। छोटे छोटे क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है बच्चों, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है। अगर इसका भी हमें ग्राफ बनाना आता है तो ये भी बहुत इजी है, और इसके लिए हमें मान लो वाई बराबर मोड एक्स था, और उसका ग्राफ तो हमने बना रखा है, उसका ग्राफ हम ऐसा बनाते हैं, ये वाला वाई बराबर मोड एक्स, इधर माइनस एक्स होता है, यहाँ पे प्लस एक्स होता है, ये एक्स एक्स, ये वाई एक्स, ये एक्स डैस, ये वाई डैस, ये माइनस का और इधर पॉजिटिव। अब देखिएगा बच्चों, ये है हमारा मोड एक्स का ग्राफ, तो ऐसे ही हम ग्राफ बना लेते हैं जो हमें दिया हुआ है उसका भी। देखिएगा, अब हमें दे रखा है y इक्वल टू मोड x प्लस थ्री, अर्थात इसका जो ग्राफ बनेगा यहाँ से, ये अपने पास में जीरो, ये वन, ये टू, ये थ्री, ऐसे ये माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, तो ये है y इक्वल टू मोड x प्लस थ्री, और इसका ग्राफ होगा ये माइनस थ्री पे, तो अर्थात यहाँ से ये वाला ग्राफ बनेगा बच्चों, क्या है y बराबर मोड x प्लस थ्री। अब देखिएगा बच्चों, y इक्वल टू मोड x प्लस थ्री, ये मान देगा x प्लस थ्री देगा, x प्लस थ्री देगा कब देगा, जब ये x प्लस थ्री जीरो से बड़ा हो, या इसको लिख सकते हैं x माइनस तीन से बड़ा हो, ऐसे ये माइनस देगा एक्स प्लस थ्री, ये कब देगा एक्स प्लस थ्री छोटा हो, अर्थात या इसको लिख सकते हैं एक्स माइनस थ्री। तो बच्चों यहाँ तो ये नेगेटिव देगा एक्स प्लस थ्री, और यहाँ पे ये देगा एक्स प्लस थ्री,
ठीक है बच्चों, अब हमें दे रखा है क्वेश्चन में, वो देखिए, अब क्वेश्चन में हमें दिया है -6 से जीरो मोड एक्स प्लस थ्री का मान निकालना है। तो बच्चों लिमिट तो क्वेश्चन में दे रखी है हमें, तो देखिएगा हमें दे रखा है एरिया निकालना है -6 से 0 मोड एक्स प्लस थ्री डी एक्स। तो बच्चों यहाँ पे देखिए, यहाँ से हिसाब से अपन चलेंगे तो यहाँ पे अपने पास में यहाँ से -3 से इधर आएंगे तो ये नेगेटिव मान देगा, और इधर से यहाँ जैसे ये -4 और -6, तो यहाँ से यहाँ तक तो एरिया ये नेगेटिव मान देगा -6 से 3 तक, और उसके बाद में जो -6 से 0 तक, यहाँ तक इस क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है, एक इस क्षेत्र का क्षेत्रफल निकाल, तो यहाँ तो पॉजिटिव ये, यहाँ पे तो मान ये पॉजिटिव देगा, इधर नेगेटिव देगा। तो पहले हम कहाँ से -6 से -3 तक, तो देखिएगा बच्चों इसको लिखेंगे -6 से -3, और ये -6 से -3 पे ये नेगेटिव मान देगा, तो वहाँ पे लिखेंगे अपन -x + 3 dx, ठीक है, प्लस -3 से 0 तक, यही दे रखा है हमें क्वेश्चन में, -3 से 0 तक ये पॉजिटिव देगा, तो यहाँ पे लिखेंगे x + 3 dx। बस यही समझने वाली बात थी बच्चों क्वेश्चन में, -6 से 0 ये दे रखा है, dx है, और ठीक है, तो ये हमने समझ लिया ऐसे क्वेश्चन को। देखिएगा ये ग्राफ हमें आता है, तो यहाँ पे हम पट्टियाँ काटेंगे यहाँ से, तो यहाँ पर ऐसे, तो इसका एक सिरा कहाँ x-अक्ष पे है, तो dx है, और दूसरा सिरा इसके ऊपर है, तो ये क्या देगा -x + 3। ऐसे यहाँ पे भी हम पट्टियाँ काटेंगे ऐसे, तो एक सिरा इसका x के है, तो वो चौड़ाई dx होगी, और y का मान हम यहाँ से x + 3, ठीक है बच्चों। तो ऐसे हमने यहाँ पे कर लिया। अब देखिएगा इसके बाद तो हम इसको सोल्व करना ही है, समाकलन करना है, तो देखिए -x² / 2 + 3x -6 से -3 प्लस यहाँ पे देखिएगा x² / 2 + 3x और यहाँ पे -3 से 0, ठीक है बच्चों। अभी तो आपको इसमें लिमिट रखना है, कैलकुलेशन करना है, वो आप स्वयं करें। ठीक है बच्चों, लिमिट रखना है, बस यहीं तक समझने वाली बात थी, और इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रख के इसको सोल्व करना है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है x = 0 से x = 2π तक का वक्र, और बच्चों हम इसको हल करते हैं। बच्चों ऐसा क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल में भी किया था, वहाँ पर क्या था, y = cos x था, और यहाँ पर क्या है, y = sin x, बस इतना ही अंतर है बच्चों। तो देखिए सबसे पहले इसको समझने के लिए, इस क्वेश्चन को हम हल करते हैं, उससे पहले हम इसका वक्र बनाते हैं, तो वो देखिएगा, अगर वक्र हमें बनाना आता है तो ये क्वेश्चन इजी है। ये xx, ये yx, ये x' और ये y'। अब बच्चों हम इसका वक्र बनाते हैं, तो ये हम इसका वक्र बना लेते हैं sin x का, ये 0, यहाँ पे π/2, यहाँ पे 3π/2, सॉरी पाई, बच्चों पाई, यहाँ पे 3π/2 और यहाँ पे 2π। तो बच्चों इस क्षेत्र का और हमें इस क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है, और ये बच्चों नेगेटिव है इसलिए यहाँ पे तो हम मोड ले लेंगे, इसलिए अभिष्ट क्षेत्रफल अतः अभिष्ट क्षेत्रफल, एग्जाम्पल जो हमने किया था साइन एक्स वहाँ पे कोस एक्स का, वैसे के वैसे अभिष्ट क्षेत्रफल, तो वहाँ पे भी हमने समझा था, तो पट्टियाँ हम ऐसे काटेंगे, यहाँ पे इधर भी ऐसे पट्टियाँ काटेंगे, जिसका एक सिरा ये एक्स एक्स पे है, तो डी एक्स इसी चौड़ाई हो जाएगी, और वाई का मान हम यहाँ से ले लेंगे y = sin x। तो देखिएगा अभिष्ट क्षेत्रफल इक्वल टू कहाँ से कहाँ तक जाएगा, पहले पॉजिटिव है 0 से π तक, तो ये 0 से π तक, ये लिखेंगे अपन sin x dx। ऐसे ही कहाँ से, π से 2π तक, π से लेकर के
टू पाई तक, और इसको हम मोड में ले लेंगे, ये हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स, ये मोड में। ठीक है बच्चों, बस यही बात समझने की थी यहाँ पे। इस क्षेत्र का हमने मोड ले लिया कहाँ से, पाई से टू पाई तक, और एक है जीरो से लेकर के पाई तक, ये प्लस का है ये माइनस का, पट्टियाँ काट दी हमने ऊर्ध्वाधर। इसका एक सिरा किस पे जा रहा है, इस पे जो दिया है वाई बराबर साइन एक्स पे, तो वाई का मान यहाँ से, और ये पट्टी की चौड़ाई डी एक्स है, एक्स एक्स पे है तो डी एक्स, तो ये साइन एक्स डी एक्स। और अब तो हम इसको समाकलन कर लेते हैं, तो यहाँ तो माइनस कोस एक्स और लिमिट हो जाएगी इसकी जीरो से पाई, ऐसे यहाँ पे प्लस माइनस कोस एक्स और लिमिट है पाई से लेकर के टू पाई तक। देखिएगा बच्चों, माइनस कोस पाई और माइनस माइनस ये प्लस कोस जीरो, ऐसे ही यहाँ पे माइनस कोस टू पाई और ये माइनस और माइनस प्लस कोस पाई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये माइनस यहाँ से माइनस, और एक फॉर्मूले का माइनस तो प्लस हो जाता है। तो देखिएगा, मान रख देते हैं, इसका मान होता है माइनस वन, और ये माइनस पहले से था तो ये माइनस वन, और यहाँ पे इसका वन, ऐसे ही यहाँ पे इसका मान ये वन होगा, ये माइनस माइनस वन, और यहाँ से भी माइनस वन, ये मोड में है। तो देखिएगा, ये तो वन प्लस वन और ये माइनस टू, मोड से बाहर आएगा तो टू, तो टू प्लस टू इक्वल टू फोर वर्ग इकाई, और यही इसका उत्तर है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज हमने इस सेशन में विविध प्रश्नावली के प्रश्न संख्या एक से लेकर के प्रश्न संख्या पाँच तक के प्रश्नों को हल करना सीखा है बच्चों। ने सेशन में हम विविध प्रश्नावली के प्रश्न संख्या पाँच से आगे के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। धन्यवाद।